हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अमृता। तो फर्स्ट इज वर्ड है कंपल्सन, मतलब मजबूरी। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि खाना बनाना मेरी मजबूरी है, ठीक है। इट इज़ माय कंपल्सन टू मेक फूड। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, वहाँ जाना मेरी मजबूरी है, ठीक है। इट इज़ कंपल्सन टू गो देयर, यह काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माय कंपल्सन टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ भी मजबूरी वर्ड यूज़ करें वहाँ पे कंपल्सन लगाएंगे। डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, किसी भी कार्य के लिए मना करने को डिनाई बोलते हैं, ठीक है। अब मना मत करो, हम बोलते हैं ना कि आ जाओ ना, अब मना मत करो। डोंट डिनाई नाउ, डोंट डिनाई नाउ, अब मना मत करो। उसने खाना खाने से मना कर दिया। ही डिनाइड टू ईट फूड, ही डिनाइड टू ईट फूड मतलब खाना खाने से मना कर दिया। आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखेंगे कि मानना पड़ेगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। अगर किसी और सब्जेक्ट की बात करेंगे तो योर हिंदी इज़ वेरी गुड, मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो, ठीक है। तो आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर किसी को मानना पड़ेगा ऐसा बात हो तो आई हैव टू यूज़ करेंगे। फिर बिगिन टू, लगा, लगी, लगे, मुझे ऐसा लगा बोलते ना हम, तो वहाँ पर हम कहेंगे बिगिन टू, तुम रोने लगे। यू बिगिन टू क्राई, यू बिगिन टू क्राई, तुम रोने लगे, ठीक है। वह हंसने लगा। ही बिगिन टू लाफ, ही बिगिन टू लाफ, वह भोजन बनाने लगा। ही बिगिन टू कुक फूड, ठीक है। डू एवर, डू एवर मतलब कभी तो, मतलब ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं डू एवर का। कभी तो टाइम पर आ जाया करो, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा है तो वो ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डू वे एवर कम ऑन टाइम मतलब कभी तो टाइम पर आ जाया करो, कभी तो मुझे बोलने दिया करो। ये हर हस्बैंड की जो है कि प्रॉब्लम होती है। डू एवर लेट मी स्पीक, डू एवर लेट मी स्पीक, मुझे कभी तो बोलने दिया करो, कभी तो हंस लिया करो। इसका कमेंट में आप मुझे बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।